कैसे है ब्रो? चलने चलने लौटे हमारे ड्यू को वाले, आप यहाँ GoPro वाले और कैसे? बढ़िया बढ़िया, आप बताओ। मैंने कहा मैसेज कर ही देता और वरना तू कहेगा अमित दा मुझे नहीं लेके। चले फिर चलने तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि यार मेरे तो प्लान कभी भी बन जाते हैं। तो मेरा जो ये वाला प्लान था कैमल्स बैग का, वो बना 11:30 बजे और मैंने फैसला किया कि चलो आज कैमल्स बैग ही जाया जाए। तो आप जो ये व्यूज़ हैं रास्ते में, हमने जो बाइक चलाई है उसके, वो आप इन्जॉय कीजिए और मैं आपको वीडियो में आगे बताता भी रहूँगा कि रास्ते में क्या हो रहा है। yeah, yeah. MD. JPB, it's only right, baby. Yeah, why you mad? I got a bag, bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stubbed, that's a fact, yo. And if you think I'm running, you can run it back, yo. Go run it back. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. It's gonna be a long night. Woo. Yeah, let's go. तो हम बाइक चलाते हुए रास्ते में नैनीताल की ओर बढ़ रहे थे। तो रास्ते में एक जगह पड़ती है बल्दिया खान, तो हम वहाँ पे बल्दिया खान के ऊपर रुके और हमने साइड में बाइक रोक के चाय पी और उसके बाद हमने अपना सफ़र जो है कैमल्स बैग के लिए दोबारा कंटिन्यू किया। हम जो नैनीताल वाला रूट है उसको फॉलो करते हुए 12 पत्थर पहुँचे और 12 पत्थर से अगर आपको कैमल्स बैग जाना है तो आपको पॉलीटेक्निक वाला रूट लेना पड़ेगा। वैसे तो जो कैमल्स बैग का रास्ता है वो पॉलीटेक्निक से भी होते हुए जाता है, बट हमने डिसाइड किया कि जो पॉलीटेक्निक वाला रास्ता है वो थोड़ा लंबा लगता है तो थोड़ा आगे से जाते हैं। तो हमने थोड़ा आगे से जो जाता है वो रास्ता वो लिया। हमने रोड की साइड में जो स्पेस था वहाँ पर अपनी बाइक्स पार्क की और हम ऊपर को चल पड़े।
ये आंटी लोग ऊपर से आ रहे हैं और हम अभी नीचे से ऊपर को जा रहे हैं। तो आज सीन ऐसा है कि आज हम जा रहे हैं कैमल्स बैक और आज मेरे साथ हैं अज्जू और संजू, अजय और संजय। तो बेसिकली एक मिनट, अज्जू कहाँ गया? अज्जू हेलो, पता है सीन क्या होता है, जब भी मैं कहीं जाता हूँ ट्रिप पे तो मेरे को लॉन्डो के मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पे कि अमित भाई हमें नहीं बताया, मैंने इस बार बताता हूँ, देखता हूँ कौन आता है। फिर मैंने अज्जू को मैसेज किया, मैंने कैमल्स बैक चल रहा, उसने कहा हाँ, मैंने कहा ठीक है चलते हैं। फिर तो सीन ऐसा है कि ये जो चढ़ाई है यार, माँ कसम बढ़िया झेल है, पर चढ़ना तो पड़ेगा, चलते हैं सीधे अभी कैमल्स बैक, लेट्स गो। तो अभी हम पहुंच चुके हैं सत्यनारायण मंदिर नाम है मेरे ख्याल से इस जगह का, जहाँ तक और फिर यहाँ से अभी हाइक करते हुए हमें जाना है ऐसे पहाड़ से पीछे की ओर जंगल के रास्ते। तो जो भी मज़ा आ रहा है, ओ भाई बहुत मजा आ रहा। अगर आप अपने साथ वाटर बॉटल कैरी कर रहे हैं तो आप, आपको जो सत्यनारायण मंदिर है ऊपर जब आप पहुँचेंगे वहाँ से भी आपको पानी मिल सकता है, वहाँ पे आपको नल दिखेगा या करेक्ट गेट के बाहर ही जो मंदिर का गेट है, तो आप वहाँ से पानी भर सकते हैं। बट एक चीज़ याद रखें कि अगर आप कैमल्स बैक जा रहे हैं तो अपने साथ पानी ज़रूर ले जाएँ, क्योंकि वहाँ पर उसके बाद आपको ऊपर कहीं भी पानी नहीं मिलेगा। ऐसा कि अभी हमने इकट्ठा करके थोड़ी लकड़ियाँ, प्लान ऐसा ऊपर जाके हम बनाएंगे मैगी, ठीक है? तो लकड़ियाँ इकट्ठा करते हुए चलते हैं, क्योंकि टॉप पे बस पत्थर ही पत्थर है। तो हेलमेट, हेलमेट में भी है, हेलमेट हेलमेट में भी है, हेलमेट फोकस, हेलमेट में आजू, हेलमेट में फोकस। ये ओ भाई, हमने काफी लकड़ियाँ इकट्ठा कर ली है। तो सीन ऐसा है कि यार मैंने सोचा नहीं था कि पहले मैगी बनाएंगे, बट घर में अचानक आइडिया है कि यार कैमल्स बैक जा रहे हैं तो क्यों ना मैगी भी बनाया जाए। तो अभी लकड़ियाँ भी इकट्ठा कर ली हैं, लकड़ियाँ हमारे पास यहाँ भी हैं बैकअप के लिए सारी हैं, और उम्मीद है कि मैगी बन जाएगी ऊपर और लकड़ियाँ क्या पता थोड़ी और मिल जाए हमें। Oh my God, incredible! लकड़ी वेस्ट नहीं आती। अरे यहाँ तो कैंपिंग चल रही है ऑलरेडी, सही चल रहा है, बढ़िया यार। ओह फाइनली वी आर ऑन टॉप, और यार जो नज़ारा है एक तरफा है बहुत सॉलिड, जस्ट लुक एट द स्लोप।
तो अभी सीन ऐसा है, अभी हम पकाने वाले हैं मैगी और जो है हमारी आग जल रही है और लकड़ियाँ भी इनफ है मेरे ख्याल से मैगी बनाने के लिए। और मैं घर से वैसे लाया था, इसमें है नमक, धनिया और मिर्च, और ये जो पैकेट है वो हम अपने साथ ले जाएंगे। हम यहाँ पे बिल्कुल भी कूड़ा नहीं फैलाएंगे, जैसे कि यहाँ पे थोड़ा बहुत फैला हुआ है। तो यार एक मिनट, अगर आप लोग कैमल्स बैग आते हैं और आप लोगों का प्लान है कि आप यहाँ पे कुछ बनाएं चीज़ें, तो यार ये मतलब इंश्योर करो कि अपना जो कूड़ा है वो अपने साथ ले जाओ, क्योंकि ये जगह नहीं तो ऐसे यार पॉल्यूट होते जाएगी धीरे धीरे करके, है ना। बात ये है और उसके बाद हमने जो मैगी है वो बनाई, और उसके बाद जो व्यूज़ थे, जो नज़ारे थे उन्हें देखते हुए हमने मैगी खाई, और बस जो नेचर है उसको फील किया, और जो वाइब्स थी ना नेचर की, यार क्या अमेजिंग वाइब्स हैं यार, वहाँ अमेजिंग। तो सीन ऐसा है कि यार अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं कि सनसेट हो जाए, और ताकि हम ड्रोन की कुछ शॉट ले सकें यार, बहुत बढ़िया वाले। जो मौसम हो रहा है मैं आपको दिखाता हूँ कैसा हो रहा है, और इनक्रेडिबल तगड़ा हो रहा है। और अभी वैसे पार्टी भी चल रही है, भाई का बर्थडे था एक यहाँ, तो उन्होंने हमें इनवाइट भी किया है खाने पे। थैंक यू। और चिकन कैसा हो रहा है ब्रो, टेस्ट करके तो बताया संजीव भाई। नंबर, अरे वाह, रौला। अच्छा आपने बनाया चिकन, थैंक यू। इनक्रेडिबल। तो मैगी खाने के बाद हमने इंतज़ार किया कि यार अब सनसेट का वेट किया जाए, हम जो नज़ारे हैं, जो बादल हैं वो इधर से उधर मंडरा रहे थे, उनको देखते रहे और बस वहाँ पे बैठे रहे। ओ हवा, ओह हवा आ रही भाई बहुत ज्यादा, ये क्रैश ना हो जाए माँ के सम। ओ भाई भाई क्या लाइट पड़ रही है इस पहाड़ पे, ओ माय गॉड।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो ड्रोन शॉट्स थे वो आपको अच्छे लगे होंगे। सच बोलूँ तो यार, ड्रोन शॉट्स के लिए बहुत मेहनत की थी, ऊपर हवा बहुत ही तेज़ चल रही थी और वहाँ पे ड्रोन उड़ाना और उसको लैंड करना हाथों में बहुत ही टफ काम था, क्योंकि जो हवा चल रही थी वो बहुत ही तेज़ चल रही थी। बट फिर भी ड्रोन शॉट्स मिल गए थे। एंड आते आते हमें ऑलमोस्ट 8:30 के लगभग में होने वाला था, मतलब रात हो चुकी थी। ठीक है, अभी इंजन बंद करते हैं। तो कैसा लगा फिर आज? बहुत अच्छा लगा, मजा आया। नहीं आया? तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। और यार टाइम क्या हो गया वैसे? टाइम हो गया 8:27। ओ बेटे, ओ कैमरा ही खोलना है, मैं खोल रहा हूँ तो इसमें 8:27। तो देखो आप लोगों के लिए मतलब कितनी मेहनत की है, ड्रोन शॉट्स लिए हैं भाई लोगों ने, मतलब यार रात रात तक वहाँ रुक के शाम तक, और मतलब यार तेंदुआ भी आता है उधर। तो यार मतलब इस वीडियो को अगर आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करना, और मे भी आपको नेक्स्ट व्लॉग में अज्जू फिर से देखने को मिलेगा। ज़्यादा अज्जू अब देखने को आपको मिलता रहेगा, मुझे ऐसी उम्मीद। चलो मिलते हैं यार ब्रो, थैंक यू ब्रो, थैंक यू, ठीक है ब्रो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आज का व्लॉग था वो आपको पसंद आया होगा, और जो आज के जो व्यूज़ थे, नज़ारे थे जो कैमल्स बैग से, वो भी आपको अच्छे लगे होंगे, जो ड्रोन्स के शॉट थे, जो ड्रोन के शॉट थे वो भी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप यू गाइज विल लाइक दिस। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो यार सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू सो मच एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।